अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो का टॉपिक है असाइन डायनामिक शीट नंबर्स इन टाइटल ब्लॉक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेज वन ऑफ टू लिखा है क्योंकि मेरे पास ड्राइंग में दो ही शीट्स थी। ओके, और यहाँ पे ये जो ड्राइंग नंबर लिखा है इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इंक्रीमेंटल नंबर हो सकता है। तो ये दोनों टाइप के लेबल आप टाइटल ब्लॉक में कैसे क्रिएट करेंगे, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। इसके लिए मैं लिस्ट यूज़ करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। यहाँ पे ये रिवीजन वाला जो था, ठीक है, ये सेम जैसे हमने ये एट्रीब्यूट क्रिएट करके किया था, ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं या सिंपल टेक्स्ट भी रख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन जो है सब में एक ही रहता है, सेम ही रहता है ये लेबल, ठीक है। अभी इसमें पेज नंबर हमने असाइन करना है, तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो लिस्ट है। ओके, ये लिस्ट यहाँ पे लोड की मैंने, पेज ऑफ। ओके, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। अभी सेलेक्ट ए पेपर से टेम्पलेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेज वन ऑफ टू हमारे पास आ गया है, ठीक है, कि दो शीट्स हैं हमारे पास, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको काउंट करके इसमें नंबर डाल दिया है। तो इसके लिए जो दूसरी लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, जो हम इसमें भी यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आप मॉडल स्पेस में यूज़ कर सकते हैं, लेआउट में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरे पास ये मॉडल स्पेस में ये क्रॉस सेक्शन है, ये सिविल 3D के क्रॉस सेक्शन है, इनकी ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल स्पेस में मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके रखी है, ठीक है, ताकि ये सेम लेआउट में हमें वहाँ पे भी मिल जाए। तो इसके लिए जो लिस्ट है मैं वो भी लोड करता हूँ, ये लिस्ट है। ओके, ये लिस्ट लोड हो गई, इस पे लोड वंस, इसकी शार्ट कमांड है नम इन। ओके, आपने जस्ट इसको एंटर करना है, यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो टेक्स्ट है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, जहाँ तक आपने इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, ये 2022 ईयर तक का मैंने इसमें से पहले का जो टेक्स्ट है वो मैंने इसमें प्रीफिक्स में रखा है, मिडल में मैंने इसको 2022 रखा है, और लास्ट में मैंने इसको 00 रखा है, ठीक है। तो अभी जो है लास्ट में ये जो नंबर है ये नंबर मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है, और ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये मेरी फिक्स है। अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स आप चेक करेंगे यहाँ पे वो वैल्यू वहाँ पे इंक्रीमेंट में आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 00 रखा है सरफिक्स को, और इंक्रीमेंटर मैंने इसमें 1 रखा है, और यहाँ पे सरफिक्स को मैंने चेक किया है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं ड्राइंग में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मुझे 2022 के बाद डैश भी चाहिए, ठीक है, तो मैं फिर इसको लोड करता हूँ नामिंग। ओके, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको ओके करता हूँ। अभी अगर आपके नंबर नंबरिंग नहीं है तो आप इसको ऐसे क्लिक करके ऐसे इसको इंक्रीमेंट में दे सकते हैं, और अगर आपकी नंबरिंग पहले ऑलरेडी आपका कोई स्पेस में किसी खास पार्टिकुलर स्पेस में आपका लेबल है और उसका टेक्स्ट स्टाइल वगैरह कुछ भी है तो आपने उसी को रखना है, तो आपने जस्ट यहाँ पे आर करना है। ओके, नामिंग। ओके, इसको आपने एंटर करना है। ओके, यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है आपने उसको रखना है। ओके, और यहाँ पे आपने आर प्रेस करना है, और जो भी टेक्स्ट आपने रीनेम करनी है आपने उस पर क्लिक करते चले जाना है। तो यहाँ पर ये देखें ये 1 हो गया। ओके, 0 से स्टार्ट है हमारा नंबर। ओके, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह आपने अपने जो भी नंबर हैं इनको आपने सेलेक्ट करते जाना है। हमारे पास जो है 12-13 शीट है, हम सब पे कर लेते हैं इसको। ओके, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी लास्ट शीट थी, ओके, 11 नंबर। तो अभी इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी ये जो सॉरी ये असाइन हो गया है अभी। ओके, और इसको अभी अगर हम लेआउट में देखें
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेकंड सीरीज का लेआउट था। तो ये वन आ रहा है, जीरो से हमारी स्टार्ट थी, ठीक है। तो पहली सीट जो है वो जीरो से स्टार्ट है और फिर ये वन से स्टार्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी अगर इसके लेआउट के जब हम नेक्स्ट मल्टीपल लेआउट इसके बनाएंगे तो आप देखेंगे ये जो नंबर हमने वहाँ पे अपडेट किया है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह इस लिस्ट में आप ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या रखना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।